नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस के कारण बेकाबू होते हालात, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था और दर दर भटकते मरीजों के बीच आज कई अहम बैठकें होनी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोरोना के मद्देनजर कई अहम बैठकों की अगुवाई कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सबसे पहले अधिकारियों के साथ देश की स्थिति पर चर्चा की और ताजा हाल को जाना। अधिकारियों से पीएम मोदी ने ताजा कदम क्या उठाए गए हैं उस पर रिपोर्ट जानी, साथ ही ऑक्सीजन संकट को लेकर चर्चा की। अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा है, सरकार को देश के साथ ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल में लेना सेना को सौंप देना चाहिए ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल पाए। अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि हवाई मार्ग से भी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जबकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुविधा दिल्ली में भी शुरू होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश में वैक्सीन सभी को एक ही दाम पर मिलनी चाहिए, केंद्र राज्य को अलग अलग दाम में वैक्सीन नहीं मिलनी चाहिए। पीएम मोदी के साथ बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिनमें से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु शामिल हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की सप्लाई की दिक्कत है। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्य ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। गुरुवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई तेज करने का निर्देश दिया था। पीएम मोदी का निर्देश था कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, लेकिन सप्लाई में बाधाएं हैं, इन्हें दूर करना चाहिए। जो इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उन पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। भारत इस वक्त दुनिया में कोरोना संकट का एपिसेंटर बन चुका है। बीते 2 दिनों में भारत में 6 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को 3.15 लाख कोरोना से केस आए, जबकि शुक्रवार को आंकड़ा 3.30 लाख तक पहुंच गया है। लगातार दूसरे दिन 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। देश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स का संकट है, वहीं जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर भी नहीं मिल पा रहा।